राधे कृष्ण दोस्तों, प्रभु से भी बढ़कर यदि कुछ है तो वो है नाम। प्रभु सामने खड़े हो तब भी नाम को पकड़ो, प्रभु को नहीं। इतना सामर्थ्य नाम रखता है, क्योंकि नाम की वजह से ही हमें प्रभु का साक्षात्कार होता है। बिना नाम के दर्शन असंभव है, इसलिए सर्वप्रथम नाम। जागत सोवत रटो निरंतर। हम जागृत अवस्था में ही छोटी मोटी क्रियाओं में नाम को भूल जाते हैं, तो सोते समय नाम कैसे रटेंगे। भले ही सोते समय हमारा बस बुद्धि पे नहीं रहता, पर यदि जागृत अवस्था में निरंतर नाम मुख में हो तो उस समय नाम के प्रभाव से सोते समय भी नाम चलता रहता है। और जो निरंतर प्रभु के आश्रित होके जागृत अवस्था में नाम जप करते हैं, उन्हीं में ऐसी वृत्तियां जागृत होती है। पर ना तो हम उस अवस्था में है जिससे जागृत में नाम चले, और ना ही कोई सिद्ध पुरुष है जिससे नाम में निरंतरता रहे। इसलिए बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली उपाय हम अब आपको बताएंगे, जिससे जागृत अवस्था में तो नाम जप आपसे अपने आप होगा ही होगा, और इसी नाम जप के प्रभाव से सोते समय भी नाम जप चलता रहेगा। चाहे आप किसी भी संप्रदाय से हो, ये सबके लिए रहेगा। इसके लिए आपको करना ये होगा कि जब भी आपकी दिनचर्या शुरू होगी, तब आपको अपना गुरु मंत्र या 16 माला पूर्ण करना है। उसके पश्चात से लेकर के सोने तक आपको बस हर 5 मिनट पर अलार्म लगाना होगा। हर 5-5 मिनट पे वो बजना चाहिए। उस समय चाहे आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, पर जैसे ही अलार्म बजा तो मन ही मन में सिर्फ केवल एक बार राधा बोलना है। ये बहुत साधारण है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। चाहे कॉलेज में हो, चाहे जॉब पे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, या चाहे रसोई संभाल रहे हो, या चाहे पार्टी में भी हो, जैसे ही हर 5 मिनट में अलार्म बजा वैसे ही मन में राधा बोलना है, और फिर उसके पश्चात अपने काम पे लग जाओ। ऐसा आपको हर 5-5 मिनट पे करना है, और ये क्रिया लगातार 1-2-6 महीने या फिर 1 साल तक चलते रहना चाहिए। तब हम दावे के साथ कहते हैं कि आपका नींद में भी नाम ना चले, तब बताना। यकीन मानिए, बड़ा सस्ता सौदा है, करके देखिए और परिणाम स्वयं देखिए। और जब निरंतर इससे नाम जब चलने लगता है, तब एक विशेष आनंद का अनुभव होने लगता है। तब आप देखेंगे कि बिना प्रयास करे मंत्र या नाम आपके हृदय में स्फुरित हो रहा है, पूर्ण दिव्य अक्षर से अंकित है, और श्रवण इंद्रियों से उसको सुन रहे हैं, और मन बार बार नाम की प्रदक्षिणा कर रहा है, तथा जिभ्या भी उसी नाम का रस आस्वादन कर रही है। बलिहारी हो जाओगे आप, जिसे नाम का ऐसा आभास होगा, और ये कृपा से ही होता है, और वो कृपा आपके ऊपर भरपूर है, बरस रही है। इसलिए जब नाम में महत्व बुद्धि बन जाती है और अन्य महत्व बुद्धि हट जाती है, तो बस हृदय बार बार और नाम जप करने के पीछे भागता है। ये अनुभव तब ही होगा जब निरंतर नाम जप चलेगा। इसलिए हर 5-5 मिनट में आपको एक बार राधा नाम बोलना ही पड़ेगा। इसलिए ये मत कहिए कि नाम जप निरंतर नहीं होता वगैरह वगैरह। हर 5 मिनट के अलार्म में एक बार राधा बोलना, ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो बच्चा भी कर सकता है। इतना आसान तरीका है ये, यकीन मानिए। इससे आपने इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि निद्रा की अवस्था में भी आपके भीतर से नाम पैदा होगा। किसी भी सांप्रदाय के महापुरुषों को देखिए, वो केवल नाम से ही अखंड भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो चुके है। नाम से अनन्य आश्रय, अनन्य लालसा मिट जाती है। शरीर की क्रिया चलते चलते हमें बताई गई क्रिया करनी है, नहीं तो नाम जब छूटने में समय नहीं लगेगा। किसी भी क्रिया में, किसी भी अवस्था में हर 5 मिनट में राधा नाम बोलना ही है, इसे छूटने नहीं देना है। हम एक एक प्रसाद के कवल को पा रहे हैं, तो साथ में नाम भी पा रहे हैं। तब वो पूरा प्रसाद नाममय बन के आपके नसनाड़ियों में खून में बहने लगता है, जिससे नींद में भी नाम चलने लगता है। इसलिए किसी भी क्रिया में नाम ना छूटे। देखो, प्रभु स्वयं भक्तों का नाम जपते हैं, फिर हम तो क्या ही चीज है। इसलिए निरंतर नाम जपे, और ये क्रिया आप अवश्य करें। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।